नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को पढ़ा। इसी श्रृंखला में जो आगे हमारे पाठ्यक्रम अनुसार जो योजनाएं हैं उनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। इन योजनाओं में आपकी योजना है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल सोशल हेल्प मिशन या हेल्प प्रोग्राम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत आपके 15 अगस्त इस कार्यक्रम की शुरुआत आपके 15 अगस्त 1995 को हुई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देखें तो क्या बात थी, इसमें कहा गया कि जो गरीब लोग हैं उनको निश्चित आर्थिक सहायता दी जाए। और आर्थिक सहायता में क्या क्या बातें रखी गई, तो पहली इंदिरा गांधी जो नेशनल पेंशन योजना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना है, इस राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक अपेक्षा रखते हैं उन वृद्ध लोगों को, ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो क्या अपेक्षा उनको तो वैसे ही पेंशन आ रही है, जो अपेक्षित वृद्ध है उन अपेक्षित वृद्धों को 700 रुपये प्रतिमा है, और जो 60 वर्ष के हैं 700 रुपये प्रतिमा है, और जो 60 वर्ष की आयु वाले हैं उनको 500 रुपये प्रतिमा है देने की बात कही गई इस योजना में। इसके अलावा इस योजना में कहा गया कि जो पेंशनधारी है, जो वृद्ध व्यक्ति है या जो राष्ट्रीय पेंशनधारी है, अगर उस पेंशनधारी मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, किसी कारणवश उस मुखिया की या घर के पालनकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार को कितने पालनकर्ता की मृत्यु पर परिवार को 30,000 रुपये का क्या देंगे, मुआवजा देंगे। कितने रुपए का, 30,000 रुपये का मुआवजा, यानी 30,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। इस योजना में बात की गई जो राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना है, इसमें 19 वर्ष की आयु से अधिक अगर कोई महिला है तो कन्या या महिला जो अगर वो गर्भवती होती है और प्रसव उत्पत्ति करती है तो उसको 19 वर्ष से ऊपर वाले को प्रसव दौरान कितने 1400 रुपये मिलेंगे। अगर लड़की का जन्म होता है तो आपके जो राजश्री योजना है, इस राजश्री योजना में 50,000 रुपये उसको दिए जाएंगे। कितने, 50,000 रुपये। लेकिन शर्त क्या है कि वह कन्या है वो सरकारी विद्यालय में पढ़नी चाहिए, सरकारी विद्यालय में पढ़नी चाहिए। तो ये शर्त रखी गई आपके राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत। ये कुछ सहायताएं सरकार द्वारा दी गई, कब आया, 15 अगस्त 1995 इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना, ये नहीं इंदिरा गांधी नेहरू योजना, इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के तहत 65 वर्ष अपेक्षित वृद्ध है 700 प्रतिमा और 60 वर्ष वाले को 500, पालनकर्ता की मृत्यु पे 30,000, और राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना में 19 वर्ष से अधिक अगर कोई है वो प्रसव के दौरान
उसको प्रसव उत्पत्ति के बाद 1400 रुपये, और अगर लड़की होती है तो राष्ट्रीय योजना में 50,000 रुपये, लेकिन सरकारी विद्यालय में वो बालिका पढ़नी चाहिए। इसके बाद जो अगली योजना है वो है आपकी अन्नपूर्णा योजना। कौन सी है? अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना है ये 1 अप्रैल 2001 को आई। अन्नपूर्णा योजना है वो 1 अप्रैल 2001 को आई, और इस योजना का उद्देश्य था कि जो वरिष्ठ नागरिक है, इन वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह है। वरिष्ठ नागरिक कौन से हो गए अपने, जो 60 वर्ष से ऊपर वाले, इन वरिष्ठ नागरिकों को जो अपेक्षित है उनको ही प्रति माह 10 किलो अनाज दिया जाए। 10 किलो अनाज दिया जाए, इसके कोई पैसे नहीं है। कितना? 10 किलो अनाज। और हमारे यहाँ वरिष्ठ नागरिकों को इसमें आयु वर्गों में 65 वर्ष से अधिक वालों को शामिल किया गया है। 65 वर्ष से अधिक वालों को इसमें शामिल किया गया है। इसी से जुड़ी हुई योजना है अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना में अन्न, अन्न तो ये अन्न की है, यानी अनाज दिया जाएगा। तो अंत्योदय योजना है वो आई आपके दिसंबर, इसके जस्ट बाद दिसंबर 2001 में। कब आई? दिसंबर 2000, ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार है। कब आई? दिसंबर 2001 में। कौन सी योजना आई? अंत्योदय योजना। अब इस अंत्योदय योजना में क्या कहा गया कि जो आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वितरण प्रणाली नाम आ चुका है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी राशन की दुकान। राशन की दुकान के माध्यम से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, जो जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, जो BPL वाले हैं, उनको 2 रुपए किलो तो क्या मिलेगा? गेहूं। और 3 रुपए किलो क्या मिलेगा? चावल। 2 रुपए किलो तो क्या मिलेगा? गेहूं। और 3 रुपए किलो क्या मिलेगा? चावल। तो 2 रुपए किलो गेहूं, लगभग इतना 25 किलो गेहूं, और चावल वाले क्षेत्रों में क्या मिलेगा उसको? चावल मिलेगा। तो अंत्योदय योजना कब आई याद रखना, दिसंबर 2001 को आई, और अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2001 को आई। इसका तो था कि वरिष्ठ नागरिकों को 10 किलो अनाज। इसका था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी कोई देगा, ये भी कोई देगा। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में BPL जो लोग हैं उनको 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल दिए जाए। मिनिमम जो गेहूं है वो कितने, 25 किलो गेहूं है, उसमें प्राथमिकता रखी गई। दो योजनाएं, एक योजना हमने पढ़ा राष्ट्रीय सहायता, सामाजिक सहायता योजना। इसके बाद जो अपनी योजना है काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज, ये हमने पहले पढ़ा है। जवाहर रोजगार योजना में काम के बदले अनाज दिया जाता था, और ये योजना आपके 14 नवंबर 2004 को आई। 2004 क्या था इस योजना में? इस योजना में था कि लगभग जो 150 जो अत्यधिक पिछड़े जिले हैं, 150 अत्यधिक जो पिछड़े जिले हैं, उन पिछड़े जिलों के अंदर जो केंद्र सरकार है पिछड़े जिलों में, कितने हैं लगभग 150 से अधिक जो पिछड़े जिले हैं, उनमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत जो गरीब परिवार है, उन गरीब परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया जाए। 100 दिन का रोजगार, और 5 किलो अनाज और नगद पैसा उसको
दिया जा रहा है। रोजगार के जो लिए जो उनका वेतन होगा उनमें 5 किलो अनाज और उनको नगद दिया जाए। अब ये योजना जो थी ये किसमें मिल गई, महात्मा गांधी नरेगा में, किसमें मिल गई, महात्मा गांधी नरेगा में मिल गई। कौन सी योजना मिल गई, महात्मा गांधी नरेगा में, कौन सी, काम के बदले अनाज योजना। अब इसके बाद अन्य योजनाएं जो गरीबी उन्मूलन के लिए आई, इनमें तो क्या था, प्रत्यक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन का जो रूप था, लेकिन अब जो योजनाएं मैं बताने जा रहा हूं ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, परोक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन के लिए आई। अब इन योजनाओं में आपकी पहली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पढ़ा हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये मान लो कि योजना पूरे भारत में सबसे बड़ी उपलब्धि वाली योजना है, कौन सी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कैसे है उपलब्धि वाली, क्योंकि इस योजना के बाद जितने भी ढाणी गांव के क्षेत्र है वो नगरों से जुड़ गए हैं, कस्बों से जुड़ गए हैं और बाजार क्षेत्रों से जुड़ गए हैं, जिससे जो ढाणियों में किसान जो रहते हैं उनको भी आर्थिक लाभ हुआ है, सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। अब इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन आता है 25 दिसंबर को, तो 25 दिसंबर 2000 यानी उनके जन्म दिवस पे उन्होंने ये योजना लागू की। और इस योजना में कहा गया कि 500 लोग मैदानी भागों में हैं, 250 लोग जो जनजाति क्षेत्र में हैं और मरुस्थलीय प्रदेश में, मरुस्थल पहाड़ी एरिया या जनजाति, यहाँ पर अगर 250 लोग रहते हैं, 500 लोग कहा मैदानी भागों में रहते हैं, तो इन लोगों के लिए 500, ये हमने पहले भी पढ़ाया है, 500 लोग जो है मैदानी भागों में, 250 लोग का है इन क्षेत्रों में रहते हैं, तो वहां क्या बनाया जाए, पक्की सड़क का निर्माण किया जाए, पक्की सड़क का निर्माण किया जाए। 1000 लोग जहां रहते हैं उनके लिए तो 2007 का लक्ष्य रखा गया और बाकी के लिए 2015 तक का लक्ष्य रखा गया। वर्तमान में लगभग क्षेत्र है वो आपके सड़कों से जुड़ चुका है, तो 250 लोग मरुस्थलीय प्रदेशों में क्या बनाएंगे, पक्की सड़क, ठीक है। 1000 से ज्यादा लोग हैं वहां पे 2007 तक का लक्ष्य रखा गया और बाद में जो कम वाले हैं वहां बाद में लक्ष्य रखा गया और पूरे प्रदेश को सड़कों के माध्यम से जोड़ दिया गया। आज देखना सभी प्रदेशों में ये सड़क योजना है वो लाभान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त देखें जल संभर योजना, जल संभर योजना, सबसे पहले तो शब्द ही हमारे सामने आया है जल संभर, क्या होता है जल संभर, देखना जल संभर या जल संभरण कार्यक्रम। जल संभर सामान्यतः होता है प्राकृतिक जोड़ा, क्या होता है प्राकृतिक जोड़ा होता है, इसके रूपरेखा है वो हम देखें तो योजना 1995 के लगभग आई और इसे इस जल संभर योजना के अंतर्गत देखा जाए तो प्राकृतिक जोड़ा बनाया जाए जिसमें जल, वर्षा जल है इकट्ठा किया जाए, या जो अपना जो गांव का फ्लो है जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल है या कहीं से जो प्रवाहित जल है उसको हम इकट्ठा करें, वो जल है आंतरिक रिसाव करेगा और आंतरिक रिसाव से जो भी जल के जो स्रोत है, नलकूप है, कुएं है, उनमें जल स्तर क्या होगा ऊपर आएगा। और साथ ही साथ हम इसको सिंचाई में भी काम ले लेते हैं, साथ ही साथ इसको हम पशुपालन में भी काम ले लेते हैं, तो ये ऐसा कार्यक्रम है जो जो बंजर भूमि है उस बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाने के लिए भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। कौन सा, जल संभर कार्यक्रम, भारत में केंद्र स्तर पे इसको हरियाली योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है, हरियाली योजना। जल संभर कार्यक्रम जो है, इस जल संभर कार्यक्रम के अंतर्गत 3 कार्यक्रम चल रहे हैं, एक तो है सूखा प्रवण
क्षेत्र कार्यक्रम सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो 1973 में आया था, जो सूखे क्षेत्रों के विकास के लिए चलाया गया, सूखे क्षेत्र के विकास के लिए चलाया गया, शॉर्ट फॉर्म थी डीपीएपी ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त जो दूसरा है हमने पढ़ा है पहले भी, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, DDP मरुस्थल विकास कार्यक्रम, DDP डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आया था आपके 1977 में। कब आया था? 1977 में। ये पढ़ लिया हमने, मरुस्थली विकास के लिए काम कर रहा है कौन सा? डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा आपका है समन्वित बंजर भूमि, समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। और ये आपके आया 1989 में, IWP इन आपके जो इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड प्रोग्राम कब आया? 1989 में। और इस योजनाओं को वर्तमान में जल संभर कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जा रहा है। और ये जल संभर कार्यक्रम है, भारत सरकार की योजना है, हरियाली इसके अंतर्गत चल रहा है। अब आप बोलोगे साहब इसका निर्धनता उन्मूलन से क्या मतलब है? तो ये सारे क्षेत्र उन प्रदेशों में है जहाँ रोजगार अभाव है, जो बैकवर्ड है, उन प्रदेशों में ये कार्यक्रम चलाएंगे तो वहां पर मूलभूत जो साधन मिलेंगे, और मूलभूत साधन मिलेंगे तो वो प्रदेश है वो अपना विकास कर पाएगा। इसके लिए ये जल संभर कार्यक्रम है वो महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है। तो ये योजना समझ में आ गई, जल संभर में कितनी योजनाएं हैं? सूखा प्रवण, मरुस्थल विकास और समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त हम बात करें अगले कार्यक्रम की, तो इसके अतिरिक्त आपका अगला जो कार्यक्रम है वो है 20 सूत्रीय कार्यक्रम। शॉर्ट में बोल देते हैं बीसू का जो है 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है 1975 में इंदिरा गांधी काल में आया, और इसके बाद इसको 1986, 1986, 2006 इसमें इस कार्यक्रम को पुनः संरचित किया गया है, पुनः संरचना इसमें बनाई गई। इस कार्यक्रम के दौरान बताया कि इसमें 20 मुख्य मुद्दे और 119 विषय रखे गए। 119 विषयों में मुख्यतया गरीबी उन्मूलन, रोजगार प्रदान करना, जीवन स्तर में सुधार लाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल, कमजोर वर्ग के लिए विशेष योजना निर्माण के लिए इस 20 सूत्री कार्यक्रम में लगभग 119 विषय, 20 मुख्य और 119 विषय इसमें रखे गए। वर्तमान में भी ये कार्यक्रम चल रहा है गरीबी उन्मूलन के लिए, कौन सा? बीसू का। बस सरकार ने क्या किया है, इसके
स्वरूप में परिवर्तन कर दिया है। इसकी योजनाओं के अंदर नए मुद्दे जोड़ दिए हैं। तो 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है? गरीबी उन्मूलन के लिए 1975 में आया, 119 विषयों को लेकर के 2006 में ये पुनर्संचित हुआ, वर्तमान में पुनर्संचित हुआ है। गरीबी उन्मूलन है, रोजगार, जीवन स्तर में सुधार, ये कई मुद्दे इसके हैं जिनके ऊपर ये योजना बनाता है। हमारे यहाँ क्या है, केवल विश्व का है क्या, 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है, कब आया और मुख्य क्या, कितने विषय, 19 विषय है, ये प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा इससे प्रश्न आ सकता है कि इसमें कौन कौन से मुद्दों पे, तो गरीबी उन्मूलन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार के लिए है, गरीब जो कमजोर वर्ग है उनके विकास के लिए है, ये योजना इसमें बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त आपकी अगली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आपने पढ़ा था स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना SGSY 1 अप्रैल 1999 में आई थी और इसमें 6 आपके मिले हुए थे। एक तो ट्राइसेम था, एक IRDP था, एक DWCRA था, एक सिट्रा था, एक आपके गंगा कल्याण योजना था, एक मिलियन वेल स्कीम था। ये 6 इसमें मिले हुए थे। ये योजना उस समय बताया भी था मैंने कि कन्वर्ट होके आपके 2011 में किसमें बदल गई, नेशनल ग्रामीण जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसमें आपकी क्या है, ये कन्वर्ट हो गई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गरीबी के लिए प्रभावी व कुशल तरीके से योजनाओं का निर्माण करना और इन योजनाओं को सतत विकास के आधार पर लागू करना। ये क्या था, इसका उद्देश्य था योजनाओं को सतत विकास के आधार पर लागू करना और घरेलू आय है उसमें क्या करना, वृद्धि करना, विकास के स्तरों को क्या है, ऊपर बढ़ाना। ये आपके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्या था, उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त जो एक योजना आई आपके प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रश्न आ चुका है प्रधानमंत्री जन धन योजना, आपको डेट पूछी है, वैसे तो नॉर्मल है लेकिन डेट ही आपको याद करनी है, 15 अगस्त 2014 जब नीति आयोग जो हुआ था उसकी घोषणा हुई थी उसी समय पहले स्वतंत्रता दिवस पर ही प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी। जन धन योजना क्या है कि जितने भी लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को बैंकों से जोड़ना, उनके खाते बैंकों में खुलवाना जीरो बैलेंस पे क्या करेंगे, खाते खुलवाएंगे, जिससे वो लोग हैं सीधा डायरेक्ट बैंकों से जुड़ सके और जो गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ है वो उनको उनके बैंकों में दिया जा सके, कोई बिचौलियों का सिस्टम है उसमें खत्म कर दिया गया। तो बैंकों से जुड़ना और खाते खुलवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें गरीब जो परिवार थे उनको बैंक खाते के साथ साथ क्या दिया गया, एक डेबिट कार्ड दिया गया, एक ATM दिया गया और 1,00,000 रुपए का बीमा, ऐसे थोड़ी खुलवाएंगे, 1,00,000 रुपए का बीमा इसमें दिया गया। ये कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, कब आई, 15 अगस्त 2014
14 को बैंकों से जोड़ने के लिए, बैंकों से जुड़ेंगे तो क्या होगा, उनका विकास होगा। तो एटीएम 1 लाख रुपए का बीमा, जीरो बैलेंस में खाता खुलवाया गया। तो विद्यार्थियों, हमने गरीबी उन्मूलन से जुड़ी हुई पाठ्यक्रम अनुसार जो योजनाएं हैं उनको पढ़ा। अगले वीडियो के माध्यम से हम जो भारत में सबसे महत्वाकांक्षी योजना आई थी, जो रोजगार के लिए पूरे विश्व में एक मिसाल बनकर के रही है, महात्मा गांधी नरेगा, अगले वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी नरेगा के बारे में। धन्यवाद।